हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी माता के भोग के लिए काला चना, और ये कन्याओं को खिलाया जाता है। और इस नवरात्र में आप हमारे तरीके से बनाएं झटपट माता के भोग के लिए काला चना मसाला, और बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो आइए हम बनाते हैं। तो देखिए, हम 100 ग्राम चना को रात को ही भिगो लिए थे और ये फूल गया है। तो फूलने के बाद में आप इसे अच्छा से एक बार धो लीजिए और दूसरा पानी डाल लीजिए। तो देख सकते हैं, हम चना के ऊपर तक पानी डाल लिए हैं। यहीं पे हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, 1 छोटा चम्मच व्रत वाला नमक है, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर है, और आधा छोटा चम्मच से भी कम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। 2 हरा मिर्च को हम इस तरह से बीच से कट लगा लिए हैं, और आधा छोटा चम्मच हम जीरा लिए हैं। इसे हम तड़का देंगे माता के भोग के लिए बना रहे हैं। तो उसमें तो देखिए, हम धनिया का पत्ता भी बिल्कुल फ्रेश काट के रखे हैं। तो अब हम चना को डाल लेते हैं कुकर में। सबसे पहले हम इसे उबालेंगे। तो काला चना को उबालना बहुत ही जरूरी है माता के भोग के लिए। तो देखिए, हम एक व्हीसल के लिए चढ़ा देते हैं गैस पे। तो बहुत ही झटपट 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है दोस्तों। तो आप भी इस नवरात्रे अपने घर पे माता के भोग के लिए काला चना बनाएं। तो देख सकते हैं, हम एक व्हीसल लगवा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगा। एक व्हीसल आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और ठंडा होने के बाद में हम इसे छान ले रहे हैं। यानी कि जब गैस अपने से निकल गया था कुकर में, तब हम काला चना को छान ले रहे हैं। किसी भी छन्नी से आप छान लें। और कैसे पता लगेगा कि हमारा चना उबला है कि नहीं, तो हाथों से आप मस लेंगे तो आराम से ये मसल जाएगा। और यहीं पे हम एक पेन में इस काला चना मसाला को बनाएंगे माता के भोग के लिए। तो हम यहाँ पे 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाले हैं। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तो हम इंतज़ार कर लेते हैं कि हमारा तड़का डालने के लिए तेल गरम चाहिए। तो यहीं पर हम तड़का डाल लिए हैं गरम होने के बाद तेल में, और अच्छा से 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो देखिए, हमारा जीरा और हरा मिर्च हल्का सा भून गया है। तो हम फ्लेम को लो कर दिए हैं, और यहीं पे हम डालेंगे जो हम मसाले लिए थे, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और साथ के साथ थोड़ा सा लाल मिर्च जो हम लिए थे पाउडर, और यहीं पे व्रत वाला नमक भी। आप चाहें तो रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नया पैकेट होना चाहिए। तो देखिए, हम यहीं पे जो चना को हम उबाल के रखे थे डाल लिए हैं। अब हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छा से भूनना है चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे। तो चारों तरफ से आप इसे चलाते हुए भून लें। तो देखिए, यहाँ पे हम चारों तरफ इसे चलाते हुए भून ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आपको पानी नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही ये पानी सूख जाएगा, तो आपका काला चना मसाला माता के भोग के लिए बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया काला चना को। अब यहाँ पे हमारा माता के भोग के लिए जो काला चना मसाला है बन के रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है। तो हम लास्ट में डालेंगे यहाँ पे हरा धनिया का पत्ता। तो देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो चना है बिल्कुल इसमें अब पानी नहीं है, और बहुत ही अच्छा बन गया है। गैस को हम बंद कर लिए हैं, और ऊपर से डालते हैं हरा धनिया के पत्ता, और फटाफट इसे हम मिक्स करके सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे इसी तरीके से बनाएं नौमी को या अष्टमी को। आप जब भी माता का भोग लगाते हो, तो इस तरीके से आप बना के इस नवरात्रि कन्याओं को खिलाएं। तो अगर आपके पास ज़्यादा छोटी कन्या हो, तो लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ना डालें। और यहाँ पे मैं एक प्लेट में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से माता के लिए काला चना बनाएं, हलवा बनाएं, पूरी बनाएं, और इस नवरात्रे माता का भोग लगाएं। अगर आपको हमारा ये माता के भोग के लिए काला चना मसाला पसंद आए, तो इसके नीचे लाइक कर दें, और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है दोस्तों, उसे जरूर क्लिक करें। तो हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। आप सभी को नवरात्रे का ढेर सारा शुभकामनाएं दोस्तों।